तो फ्रेंड्स अब आपको दूर पे ये पहाड़ देखने लगेंगे खूबसूरत, और अभी भी रास्ता और भी लंबा है। मौसम देखते जाओ कैसा होता जा रहा है, एकदम बारिश कभी भी आ सकती है, तो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. हम आ पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो बैकग्राउंड में आपको कोई बहुत अच्छी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर आप सुन पा रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पहुँचे। तो फ्रेंड्स हम आ पहुँचे हैं मुखा फॉल्स, और आप नीचे का फ्लो देखो कितना खतरनाक है। वाटर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी आप देख सकते हो, कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ का व्यू देखो कितना खतरनाक है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल और बहुत ही ज़्यादा फ्लो है, मतलब इसके में तो आप बिल्कुल नहा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हुए, तो ये साइड पूल टाइप का जो कि नेचुरल बना हुआ है, और लोग यहाँ पे मस्त पिकनिक मनाते हुए। हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर ज़्यादा ना हो क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, लेकिन व्यू बहुत सही है। वहाँ आगे लगता है कि फॉल ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, क्योंकि लगता है कुछ ऊँचाई है, वाटर नीचे गिरता होगा। फ्लो सबसे ज़्यादा तेज़ है, क्या गजब फ्लो है। और यहाँ पे ये भाई देख के आँख फटी रह जा रही है एकदम। आपने लोकेशन तो देख ली, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले आप यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स को देखिए, उसके बाद हम आपको कंप्लीट व्यू दिखाएंगे यहाँ के बारे में, और सब कुछ बताएंगे डिटेल में, यहाँ की लोकेशन, यहाँ कैसे पहुँचे, सब कुछ। तो एंजॉय करिए पहले सिनेमैटिक। पहले हम आपको वहाँ से व्यू दिखा रहे थे, लेकिन आप जब वहाँ से चल के इस रास्ते आएंगे तो यहाँ से व्यू आपको फ्रंट में दिखेगा कि कैसा दिखता है पूरा वाटरफॉल। लास्ट वाला जो वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया था सिद्धनाथ की दरी, ये उससे भी बड़ा है, उससे भी ज़्यादा भयानक है। तो आप आगे आओगे तो आगे स्टेयर्स जैसा बना है, तो हम वहाँ चलते हैं। ऊपर हेलमेट ले लो, तो आपको नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ से भी। ये वाला जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना सामने, इस पे से भी आप खड़े होकर व्यू देख सकते हैं। अच्छा पहले यहाँ से एक बार देखते हैं, फिर आपको नीचे चलने। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पाएंगे पूरा का पूरा वाटरफॉल। क्या गजब का लग रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको फॉल दिखा दिया। यहाँ की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लोकेशन पड़ता है, ये पड़ता है सागंज। सागंज अगर आपने सुना होगा सोनभद्र में, तो सागंज से कम 20 से 25 किलोमीटर और आगे आना पड़ेगा, तब आप ये पहुँचोगे। अगर आप गूगल मैप्स के थ्रू आते तो आप आराम से पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं है कि गूगल मैप्स के थ्रू आप नहीं पहुंच पाओगे, एकदम करेक्ट लोकेशन मेंशन है गूगल पे, तो आप आराम से चले आओगे। तो यहाँ से पहले व्यू दिखा दिया, अब आपको यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी नीचे देखिए पाथवे बना हुआ है जाने के लिए सीढ़ियाँ, वहाँ से व्यू दिखाएंगे, फिर लास्टली अब आपको नीचे जाके व्यू दिखाएंगे।
तो फ्रेंड्स आपने सब तरफ से व्यू देख लिया, अब हमको यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और यहाँ से व्यू दिखाएंगे कैसा। ये सबसे क्लोजअप व्यू होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। अब हम जा रहे हैं नीचे, हालत बहुत ख़राब है, नीचे का व्यू देखिए। वॉइस का तो पता नहीं कि कितनी क्लियर आ रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड का नॉइज़ तो भाई इतना ख़तरनाक है ना कि क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस व्यू देखते जाइए और एंजॉय करते रहिए इस वीडियो को, कंटेंट के नाम पर सिर्फ व्यू है इसमें। तो फ्रेंड्स कुछ दिख रहा है आप लोगों को? आप दिख रहे तो ये वो जगह जहाँ हम लोग घूमने की कोशिश कर रहे थे, बहुत देर से इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे। बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो कुछ सुनाई देगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन व्यू बहुत मस्त है। लिटरली बताओ दोस्तों ये जगह बिल्कुल जन्नत है, मुझे तो एकदम मस्त फीलिंग आ रही है। आप पानी की बहुत सारे देख सकते हो, हवा में क्या मस्त उठ रही है। मतलब अगर आपको इधर आना है रावल वाले एरिया में, जो कि सोनभद्र ज़िले में ही पड़ता है, तो ये जगह बेस्ट है पिकनिक स्पॉट के लिए और वर्थ विजिटिंग है टूरिस्ट में। इस समय आएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा वाटरफॉल दिखेगा, बाद में पता नहीं कह सकता, लेकिन मानसून के मौसम में ऐसा ही व्यू दिखता है। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है, लिटरली बौछारें आ रही हैं मुँह पे। एकदम आपको व्यू दिखेगा बाहुबली के शिव पर्वत की तरह, ऐसे ही चढ़ना है वही पेड़ है जिसके ऊपर जाना है अगर अपने साम्राज्य तक पहुंचना है तो। अगर आपने माउंटेन ड्यू पिया है तो आप यहां से आगे जा सकते हो। तो क्यूट लिटिल पपी भी मज़ा लेने हैं इस फॉल का, सब एंजॉय कर रहे हैं इस मॉनसून को। तो सोनभद्र में बहुत सारी जगह जिसे खुद नहीं पता थी। सब बज चुके हैं शाम के 4 और हम लोग 86 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग को वापस घर भी लौटना है और मुझे नहीं पता था कि सोनभद्र में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है। जब मैं खुद एक्सप्लोर करने निकला हूँ तब मुझे जाके पता चला है। तो अगर आप सोनभद्र आते हैं तो ऐसी जगहों को आराम से आइए, एक्सप्लोर करिए, मज़े करिए, चिल आउट करिए और मानसून का पूरा मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स अब हम लोग नीचे से ऊपर आ चुके हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बैठने उठने के लिए मिल जाएगी जगह और यहाँ से आप भी व्यू एंजॉय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको यहाँ से व्यू दिखेगा। तो ये है मस्त जगह यहाँ की सोनभद्र की। अब ऊपर देखो बादल, घनघोर काले बादल, बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेते हैं और जल्द से इस व्लॉग को एंड भी करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा। तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय। तो फ्रेंड्स इस वाले व्लॉग में इतना ही, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अरे यार चैनल